स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड पंचनामा में, जहां हम लेके आते हैं पुराने बॉलीवुड फिल्मों का पंच एक नए अंदाज में। प्यार, इश्क, आशिकी, ये सभी नाम काफी प्रचलित है बॉलीवुड में, क्योंकि बॉलीवुड जानी जाती है अपने रोमांटिक फिल्मों के लिए। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर अब तक बॉलीवुड में कई सारी रोमांटिक फिल्में बनी है, पर कुछ ही ऐसी फिल्में हैं जो क्लासिक में शामिल हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साल 1984 में रिलीज हुई एक ऐसी रोमांटिक क्लासिक फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, और वो फिल्म का नाम है सोनी महिवाल। अगर ट्रेजिकल रोमांटिक कहानियों में रोमियो जूलियट, हीर रांझा के बाद किसी का नाम आता है तो वो सोनी महिवाल का है। 80 के दशक में ट्रेजिक रोमांटिक फिल्मों का चलन था, जिसमें सोनी महिवाल का नाम काफी ऊपर आता है। इस हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म को डायरेक्ट किया था उमेश मिश्रा और लतीफ ने। एक फिल्मी कोलैबोरेशन था इंडिया और रशिया के बीच, जिसे दो लैंग्वेजेस में रिलीज किया गया था, हिंदी और रशियन। इसे साइमल्टेनियसली दो भाषाओं में शूट किया गया था। फिल्म की कहानी लिखी थी उमेश मेहरा ने, और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था शांति प्रकाश बख्शी और लतीफ ने। फिल्म को प्रोड्यूस किया था FC मेहरा ने। फिल्म में म्यूजिक दिया था अनु मलिक ने। फिल्म के सभी गाने काफी पॉपुलर हुए थे और काफी मेलोडियस और रोमांटिक थे, जैसे सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी और बोल दो मीठे बोल सोनी। दोस्तों, अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस रीमेक को अगर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली डायरेक्ट करे तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि संजय लीला बंसाली जाने जाते हैं अपनी ट्रेजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्मों के लिए, जैसे हम दिल दे चुके सनम, गोलियों की रासलीला, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत। वही अगर इस रीमेक में म्यूजिक प्रीतम का हो तो सुनने में काफी मजा आएगा, क्योंकि प्रीतम अपने म्यूजिक से काफी मेलोडियस ट्यून्स क्रिएट करते हैं। हाल ही में लाल सिंह चड्ढा में उनकी कॉम्पोजिशन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट के बारे में। फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे सनी देओल मिर्जा इज्जत बेग के किरदार में, पूनम ढिल्लो सोनी के किरदार में, प्राण तुल्ला के किरदार में, तनुजा तुल्ला की वाइफ के किरदार में, गुलशन ग्रोवर नूर के किरदार में, शम्मी कपूर पीर बाबा के किरदार में और जीनत अमान जरीना के किरदार में। दोस्तों, हम ये मानते हैं अगर इस फिल्म की रीमेक आज के जमाने में बनेगी तो इस रीमेक में सनी देओल का रोमांटिक किरदार निभा सकते हैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आज के जमाने के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं। उनका चॉकलेट बॉय इमेज लड़कियों को काफी पसंद आता है और उनकी अच्छी खासी लड़कियों की फैन फॉलोइंग है। कार्तिक के पास वो लुक्स, वो चार्म और वो एक्टिंग स्किल्स है जो इस कैरेक्टर का रिक्वायरमेंट है। हाल ही में की फिल्म भूल भुलैया 2 ने बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छी कमाई की है, जिसके बाद कार्तिक एक बैंकेबल स्टार बन चुके हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल से ऑडियंस को काफी इम्प्रेस और सरप्राइज किया है। वही पूनम ढिल्लो के किरदार में नजर आ सकती है सारा अली खान। सारा एक बेहतरीन एक्ट्रेस है जो धीरे धीरे अपने एक्टिंग स्किल्स को और बेटर कर रही है, जो उनकी हर एक फिल्म में नजर आती है। पूनम ढिल्लो की तरह ही सारा काफी अट्रैक्टिव एक्ट्रेस है। सारा और कार्तिक की जोड़ी पिछली बार नजर आई थी रोमांटिक फिल्म लव आजकल में, जो बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर दोनों के बीच में इस फिल्म में केमिस्ट्री साफ झलकती है और दोनों एक्स लवर भी थे, जो एक बड़ा रीजन बनता है सोनी महिवाल की रीमेक में इन दोनों का लीड पेयर होना। वहीं प्राण के दमदार किरदार में नजर आ सकते हैं संजय दत्त एक बेहतरीन एक्टर है और लेजेंडरी प्राण के कैरेक्टर को संजू बाबा पूरी तरीके से जस्टिफाई करेंगे। वहीं उनके पत्नी के किरदार में नजर आ सकती है माधुरी दीक्षित। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के पैर को फिर से एक बार बड़े पर्दे में देखने में ऑडियंस को काफी दिलचस्पी होगी। जीनत अमान के स्पेशल अपीयरेंस वाले किरदार में नजर आ सकती है कियारा आडवाणी। कियारा काफी अट्रैक्टिव एक्ट्रेस है और लाखों करोड़ों जवानों दिलों की धड़कन है। कियारा इस कैरेक्टर में खूब भाएगी। वही शम्मी कपूर का पीर बाबा वाला किरदार निभा सकते हैं अमिताभ बच्चन। गुलशन ग्रोवर के नूर वाले किरदार में नजर आ सकते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, ये सभी एक्टर्स आज के जमाने में इन सभी किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाने की क्षमता रखते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों फिल्म की ओरिजिनल कहानी की ओर। फिल्म की कहानी है मिर्जा इज्जत बेग की, जो कारवां में उज्बेकिस्तान से इंडिया आता है और पंजाब में बस जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात सोनी से होती है। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसकी चर्चा पूरे गांव में होती है। इन दोनों प्रेमी जोड़ी को अलग करने के लिए सोनी की शादी गरम दिमाग वाले रहमान से की जाती है, जिसके बाद भी सोनी इज्जत बेग से मिलती रहती है। जमाने को इनका प्यार ना गुजारा होता है। अंतिम में दोनों अपने प्यार को अमर करने के लिए पानी में डूबकर खुदकुशी कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की ट्रेजिक लव स्टोरी वाली कहानी। दोस्तों, हम ये मानते हैं अगर इस फिल्म की रीमेक बनेगी तो इस रीमेक की कहानी में ढेर सारे फेरबदल हो सकते हैं। ये भी हो सकता है
फिल्म की कहानी को आज के दौर से मिल खाने के लिए एक आधुनिक टच दिया जा सकता है और फिल्म की कहानी आज के समय में आधारित हो सकती है। दोस्तों अब हम जानते हैं फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 5, सोनी महवाल से पहले अलीबाबा 40 चोर पहली वो फिल्म थी जो इंडिया रशिया के कोलैबोरेशन में बनी थी, जो एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी, जिसे एफसी मेहरा और उमेश मेहरा ने ही प्रोड्यूस किया था। फैक्ट नंबर 4, अलीबाबा 40 चोर के बाद रशिया में जीनतामान की पॉपुलैरिटी काफी बड़ी थी, जिसकी वजह से फिल्म सोनी महवाल में उनका कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था जो पहले नहीं था, जिसकी डिमांड रशियन मेकर्स ने की थी। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मजर खान और जीनतमान के बीच में नजदीकियां बढ़ी थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया था, पर यह रिलेशनशिप काफी टॉक्सिक रिलेशनशिप था। मजर खान जीनतमान को काफी अब्यूज करते थे, इसका भारी खामियाजा जीनतमान को भुगतना पड़ा और उनका फिल्मी करियर इस रिलेशनशिप की वजह से बर्बाद हो गया। फैक्ट नंबर 2, सनी लियोन से पहले इस किरदार को कुमार गौरव निभाने वाले थे, पर कुमार गौरव के डैड राजेंद्र कुमार ने फिल्म के मेकर से 15 लाख की फीस की डिमांड की थी, जिसके बाद कुमार गौरव को सनी लियोन से रिप्लेस किया गया। फैक्ट नंबर 1, जब पहली बार उमेश मेहरा ने पूनम ढिल्लो को ये किरदार ऑफर किया था, पूनम ढिल्लो ने इस किरदार को करने से पहले इनकार कर दिया। उनका मानना था कि इस फिल्म में सनी लियोन का किरदार काफी स्ट्रॉन्ग किरदार है और उनकी कंपैरिजन में पूनम ढिल्लो का किरदार काफी वीक है। उमेश मेहरा को काफी कन्विंस करना पड़ा पूनम ढिल्लो को ये किरदार करने के लिए, जिसके बाद वो ये किरदार करने के लिए एग्री हुई। तो दोस्तों ये थे इस फिल्म से जुड़े 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। दोस्तों अब हम जानते हैं इस फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट लगभग 1.5 करोड़ का था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में लगभग 3 करोड़ 20 लाख की कमाई की थी। और हाँ दोस्तों, ये आप ही का चैनल है, हम ज्यादातर आप ही के सुझाव पर वीडियोस बनाते हैं, इसीलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर अगली मूवी का सजेशन देना ना भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बजाना ना भूलिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों इसके अलावा भी बॉलीवुड पंचनामा के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर की बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियो देखें। नीचे की बॉक्स को दबाकर आप देख सकते हैं हमारे पॉपुलर वीडियोस। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।